हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम सम प्रोडक्ट फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम सम इफ फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इसको करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जहाँ पर एक डाटा है, एक सेल का डाटा है कि हमारे मोबाइल लैपटॉप कितनी कितनी क्वांटिटी कौन कौन से क्वार्टर में सेल हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ में कि हम इसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस शीट से आप ये समझिए कि अगर हमें ये डाटा चेक करना हो कि हमारे क्वार्टर वन के अंदर कितने मोबाइल सेल हुए, क्वार्टर टू में कितने सेल हुए, या टोटल हमारे क्वार्टर वाइज कितनी कितनी सेल हुई, तो हम इसको देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप को करना ये है, इक्वल लगाइए, उसके बाद टाइप कर दीजिए सम इफ ब्रैकेट, यहां पर आपको दिखेगा रेंज। तो रेंज का मतलब यहां पर है कि हमें क्या सर्च करना है, हमें कौन सी रेंज चाहिए जिसमें हमें वो डाटा रेफरेंस के लिए लेना है। तो हमारा यहाँ पर रेफरेंस क्वार्टर है, तो हमें ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कॉमा लगा देना है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमारा क्या है कि हमें इस रेंज में क्या सर्च करना है, क्वार्टर, हमें क्वार्टर की वैल्यू चाहिए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कॉमा है, तो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद है सम रेंज, तो यहाँ पर जो हमें चाहिए वो हमारी रेंज आएगी ये वाली, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसमें एंटर करेंगे। तो आप यहां से देखोगे कि जो हमारा क्वार्टर वन है उसके अंदर टोटल जो मेरी सेल हुई है वो 45 क्वांटिटी हुई है। अगर आप इसको ऐसे जोड़ते हैं तो आप देखोगे क्वार्टर वन के अंदर 20, 10 और 15 सेल हुआ था, वो टोटल इसका 45 आ गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल 126 है चारों क्वार्टर को अगर जोड़ देता हूँ, और अगर इसको मैं जोड़ लूंगा तो भी ये 126 ही आएगा। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने इसके लिए और भी आपको सिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया है, आप उसको देखिए। अब अगर हमें इसमें सीट में ये चाहिए कि हमारा मोबाइल फोन की कितनी सेल हुई, कितनी क्वांटिटी हमारा मोबाइल फोन सेल हुआ, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, एक बार फिर से सीखते हैं। इक्वल का सिंबल आपको यहाँ पर लगा लेना है, उसके बाद टाइप कर देना है सम इफ ब्रैकेट, उसके बाद जो रेंज मैंने आपको बताई, रेंज हमारी मोबाइल के लिए है, तो मोबाइल वाला हमें कॉलम ले लेना है, जो सीट जिसमें मोबाइल हमारा आइटम है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या है क्राइटेरिया, यहाँ कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया है हमारा मोबाइल, तो हम यहाँ से मोबाइल ले लेंगे। उसके बाद सम रेंज, रेंज हमारा ये है कॉलम है, तो हम इस रेंज को ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर हम देख लेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आया 56। तो अगर मैं सारे मोबाइल्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये 56 होने चाहिए थे, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल इसका 56 ही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर हमें लैपटॉप का डाटा चाहिए तो टोटल लैपटॉप कितने सेल हुए है तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो आप देखोगे वैल्यू कुछ गलत आएगी, जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लैपटॉप नहीं है, यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिनोवो का लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, यहाँ ब्रांड नेम और इसके साथ में, तो उसके लिए मैं आपको कमांड सिखाऊंगा, वो आप जरा ध्यान से देखिए। इक्वल का निशान लगाइए यहाँ पर आप, फिर उसके बाद टाइप कर दीजिए सम इफ ब्रैकेट लगाइए। अब आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, तो रेंज हमारी ये है, उसके बाद में कॉमा लगाइए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये डिस्क्रिप्शन जो लैपटॉप है वो चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट लगाएंगे। उसके बाद स्पेशल हमें इसमें सर्च करना है लैपटॉप, तो हम यहाँ पर एक स्टार लगाएंगे, स्टार में हमें यहां पर टाइप कर देना है लैपटॉप को, फिर से स्टार लगाएंगे और डबल कोट को बंद करेंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद हमारी रेंज,
तो रेंज हमारी ये रही सम रेंज जो हमें टोटल करना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करके देखते हैं, तो टोटल मेरा जो क्वांटिटी आई वो आई 70। और आप अगर यहाँ से अगर चेक करते हैं तो आप देखोगे टोटल मेरा आ रहा है 70। तो फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल करके ये अपने डाटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।